कुछ ही हफ्ते पहले एक ब्रांड न्यू ड्रग ने स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर के सर्वाइवल को डबल कर दिया एब्सोल्युटली विदाउट कीमोथेरेपी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इस न्यू रेवोल्यूशनरी ड्रग यानी पैडसेविर एंड फोटोमेलबोटोटिन के बारे में। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। तो फ्रेंड्स चैनल के सब्सक्राइबर्स और रेगुलर फॉलोअर्स जानते हैं कि हम इस चैनल पे लेटेस्ट रिसर्च और लेटेस्ट मेडिकल इनोवेशन की बात करते हैं जिससे कैंसर पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ता जा रहा है चाहे उनका कोई भी स्टेज हो। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस स्टेज हम जानते हैं कि आज के दिन पेशेंट का सर्वाइवल कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट का क्योर हो जाता है और जो पेशेंट क्योर नहीं होते वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम एक न्यू ड्रग की बात करेंगे जो मार्च 2025 में ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, जिस ड्रग का नाम है एनफोटोमेलबोटोटिन या पैडसेव, जो कि ब्लैडर कैंसर का सबसे रेवोल्यूशनरी ड्रग्स में से एक माना जाता है। और हम बात करेंगे इस ड्रग के सारी चीजों के बारे में, इस ड्रग का कितना फायदा है, ये ड्रग कैसे काम करता है, इस ड्रग के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किन चीजों का पेशेंट को ध्यान रखने की जरूरत है, ये ड्रग कैसे दिया जाता है और इस ड्रग का कॉस्ट क्या है। तो पैडसेव यानी एनफोटोमेलबोटोटिन के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि पैडसेव क्या है, व्हाट इज पैडसेव। तो फ्रेंड्स पैडसेव एक न्यू क्लास ऑफ ड्रग है जिसको एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट या एडीसी बोलते हैं और ये एक तरह की टारगेटेड थेरेपी है। तो फ्रेंड्स टारगेटेड थेरेपी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा टारगेटेड थेरेपी वाला वीडियो देख सकते हैं जो स्क्रीन पर डिस्प्ले है। बट ब्रीफली टारगेटेड थेरेपी से हमारा मतलब उन ट्रीटमेंट्स का है जो कैंसर की तरफ टारगेटेड है, यानी जब एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदलता है तो उसमें वेरियस चेंजेस होते हैं, तो नेट रिजल्ट ये होता है कि कैंसर सेल में कुछ पर्टिकुलर जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो सिर्फ कैंसर सेल में प्रेजेंट है और नॉर्मल सेल में नहीं प्रेजेंट है। तो कई दवाइयां होती है जो हम खाने को दे सकते हैं, इंजेक्टेबल दे सकते हैं, जो सिर्फ उन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी पे काम करती है जो कैंसर सेल में प्रेजेंट है और नॉर्मल सेल में नहीं प्रेजेंट है। नेट रिजल्ट ये है कि ये बहुत ही इफेक्टिव और पोटेंट थेरेपीज है जो कैंसर को बहुत इफेक्टिवली किल करती है, पर चूंकि नॉर्मल सेल में वो सेम एबनॉर्मलिटी नहीं होती इसलिए इनके साइड इफेक्ट बहुत माइल्ड और लो होते हैं और इन ट्रीटमेंट्स को टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स टारगेटेड थेरेपी की फील्ड हालांकि 30 ईयर्स ओल्ड है, इन लास्ट डेकेड एक न्यू क्लास ऑफ टारगेटेड थेरेपी आई है, इसको एडीसी या एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एडीसी एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट में क्या होता है, एक एंटीबॉडी होती है जो कैंसर के टारगेट से जाके चिपक जाती है। तो हमने एक स्पेशल तरह का एंटीबॉडी बनाया है जो जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसका टारगेट फिक्स्ड है। एक प्रोटीन है इसको नेक्टिन 4 बोलते हैं जो सिर्फ ब्लैडर कैंसर सेल में होता है और नॉर्मल सेल में बहुत कम होता है, और वो एंटीबॉडी जाके उस ब्लैडर कैंसर सेल से जाके चिपक जाती है और उस एंटीबॉडी से चिपके हुए पॉइजन के मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे कीमोथेरेपी एक तरह का पॉइजन है जो ब्लड में दिया जाता है और जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है उनको मारता है, पर कीमोथेरेपी का एक्सपोजर नॉर्मल सेल कैंसर सेल दोनों को होता है। पर एडीसी में खास बात क्या है कि चूंकि वही सेम पॉइजन एक एंटीबॉडी से लिंक्ड है जो सिर्फ कैंसर के अगेंस्ट टारगेटेड है, तो इफेक्टिवली वो एंटीबॉडी जहां जाके चिपकती है सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर वो जहर को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो नेट रिजल्ट ये है कि मेनली कैंसर सेल को ही वेरी हाई लेवल ऑफ पॉइजन मिलता है और नॉर्मल सेल को सेम लेवल ऑफ पॉइजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हाई पोटेंशियल कैंसर को किल कर सकता है, नॉर्मल सेल को किलिंग नहीं होती। तो टू समराइज पैडसेव एक एडीसी यानी एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट है जो नेक्टिन 4 नाम के एक जीन के अगेंस्ट टारगेटेड है जो ब्लैडर कैंसर में इसका लेवल बहुत हाई होता है और नॉर्मल सेल्स का लेवल बहुत लो होता है। तो जब इसको बॉडी के अंदर दे दिया जाता है तो सेलेक्टिवली आके कैंसर को किल कर देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैडसेव ये जो दवाई है ये कैसे पेशेंट को दी जाती है। तो फ्रेंड्स पैडसेव एक बहुत ही सिंपल इंट्रावीनस इंजेक्शन है, पेशेंट को कैनुला लगा के नस से एज अ 30-60 मिनट इन्फ्यूजन यानी फ्लूइड के बैग में दवाई को मिक्स करके 30-60 मिनट के इन्फ्यूजन से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इसका शेड्यूल होता है टिपिकली क्लासिकली जो पैडसेव का शेड्यूल होता है वो 3 हफ्ते में 2 इन्फ्यूजन या 4 हफ्ते में 3 इन्फ्यूजन का होता है। तो पेशेंट आता है डे केयर में दवाई लगवा के अपना घर चले जाता है और बाकी टाइम अपने घर पे अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है। उनको पेशेंट को टिपिकली एक इन्फ्यूजन के लिए हॉस्पिटल में 2 घंटे से ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, पेशेंट आके दवाई लगवा के अपने घर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में ऐसा क्यों बोला कि ये ड्रग कीमोथेरेपी से बेटर है और पेशेंट का सर्वाइवल दे सकता है। तो फ्रेंड्स देखो क्लासिकली स्टेज 4 ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट पिछले 70 साल से कीमोथेरेपी है ब्लैडर कैंसर में। हालांकि नई ट्रीटमेंट्स आई है ऐसे इम्यूनोथेरेपी वगैरह, पर देखा गया कि इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी को बीट नहीं कर पाई। क्लासिकली आज के दिन भी यदि आप बात करें कि पैडसेव से पहले क्या पिक्चर थी, तो हालांकि इम्यूनोथेरेपी नाम की टेक्नोलॉजी ब्लैडर कैंसर में काम करती है, पर इम्यूनोथेरेपी इज नॉट बेटर देन कीमो। और आज के दिन भी ज्यादातर पेशेंट को पहले कीमो दिया जाता है और उसके बाद उसको इम्यूनोथेरेपी पे डाला जाता है या कीमोथेरेपी फेल होने के बाद इम्यूनोथेरेपी पे डाला जाता है। तो फ्रेंड्स पैडसेव एक फर्स्ट ऑफ अ काइंड ड्रग है जिसने एक्चुअली आउटकम कीमोथेरेपी से ज्यादा अच्छा शो किया है। जो नई रिसर्च है उसके बेसिस पे आज के दिन माना जाता है कि जो पेशेंट पैडसेव ले सकते हैं उनमें कीमोथेरेपी की जरूरत ही नहीं है और सीधा अपना ट्रीटमेंट वो पैडसेव से शुरू कर सकते हैं। तो पैडसेव की यूनिक चीज क्या है कि एक न्यू ड्रग है जो इतना पोटेंट है कि जो 70 साल का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है विच इज कीमोथेरेपी उसको किक आउट करके नाउ पैडसेव इज द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्योंकि वो कीमोथेरेपी से ज्यादा पोटेंट है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेंट क्लिनिकल स्टडी आई है जिसको EV-302 स्टडी बोलते हैं। इसमें क्या किया गया, ब्लैडर कैंसर के कुछ पेशेंट लिए गए और उनको आधे आधे 2 ग्रुप में रैंडमली डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को दिया गया
एडसेफ जो हमारा नया इंजेक्शन है, और साथ में पेम्बोरलिज़ुमैब या कीटूडा नाम की इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन, और दूसरे ग्रुप को दिया गया स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो कि कीमोथेरेपी है। और देखा गया कि जिन पेशेंट को पैडसेफ इम्यूनोथेरेपी कॉम्बिनेशन मिला है उनका सर्वाइवल कीमोथेरेपी वाले ग्रुप से डबल है, टू टाइम्स है, और उनको कोई कीमोथेरेपी वाला साइड इफेक्ट फेस नहीं करना पड़ा डबल सर्वाइवल को पाने के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैडसेफ एक हाईली इफेक्टिव और पोटेंट ड्रग है जिसका रिजल्ट कीमोथेरेपी से सुपीरियर, और आज के दिन ब्लैडर कैंसर पेशेंट को आप एक नॉन कीमोथेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट शुरू में ऑफर कर सकते हो जिसका आउटकम एक्चुअली कीमोथेरेपी से बेटर है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पैडसेफ के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है, कॉमनली पैडसेफ से क्या प्रॉब्लम होती है। तो इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, बीइंग अ टारगेटेड थेरेपी या नॉट अ कीमोथेरेपी, टिपिकली रिसर्च में देखा गया कि पैडसेफ का जो साइड इफेक्ट है वो कीमोथेरेपी से डिफरेंट है और यूजली कीमोथेरेपी से माइल्डर है। पर क्लासिकली जो पेशेंट को हम पैडसेफ देते हैं उनको पांच साइड इफेक्ट्स के बारे में सेंसिटाइज करते हैं। नंबर वन है स्किन प्रॉब्लम एंड आई प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स पैडसेफ जिस जीन पे काम करता है इसको नेक्टिन 4 बोलते हैं, वो नॉर्मली स्किन सेल्स को जोड़ने का काम करता है। हालांकि ब्लैडर कैंसर में नेक्टिन 4 का लेवल बहुत हाई है, थोड़ा सा नेक्टिन 4 स्किन और आई सेल्स में भी होता है। तो देखा गया कि जिन पेशेंट को हम पैडसेफ देते हैं उनको स्किन रैश हो सकता है, स्किन पे निशान पड़ सकते हैं, इचिंग हो सकती है, चकत्ते बढ़ सकते हैं, अनकॉमनली सीवियर भी हो सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट जिनको पैडसेफ मिल रही है उन्हें अपने स्किन पे नजर रखनी चाहिए, कोई भी रैश हो तो डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इनको यूजुअली क्रीम्स या सपोर्टिव केयर से इजीली ट्रीट कर सकते हैं, पर यदि इनको इग्नोर किया जाए तो ये सीवियर भी हो सकता है। तो स्किन और ड्राइनेस ऑफ आई, सिमिलरली क्योंकि आई के कुछ सेल्स में नेक्टिन 4 का एक्सप्रेशन होता है इसलिए आंखों की ड्राइनेस हो सकती है जिसको यूजुअली टॉपिकल ल्यूब्रिकेशन या सिंपल मेजर से हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। नंबर टू इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है पैडसेफ का न्यूरोपैथी। तो फ्रेंड्स पैडसेफ में जो एंटीबॉडी से लिंक्ड कीमोथेरेपी ड्रग होता है वो हालांकि मेजोरिटी ऑफ द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द कैंसर ड्रग, थोड़ा सा वो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में भी निकल सकता है। तो वो ब्लड स्ट्रीम में जो निकला हुआ थोड़ा सा ड्रग है वो नर्व्स को डैमेज करके न्यूरोपैथी यानी फिंगर्स में टिंगलिंग, नमनेस और झुनझुनी की फीलिंग कॉज कर सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूरोपैथी है वो यूजुअली ठक से नहीं होती, पेशेंट को ग्रेजुअली फील होता है मेरी न्यूरोपैथी धीरे धीरे बढ़ रही है और यूजुअली फिंगर टिप्स से वो पीछे की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो पेशेंट को अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को सेंसिटाइज रखना चाहिए कि उसको कितनी न्यूरोपैथी हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि ऑन्कोलॉजिस्ट टाइम से उसको ट्रीट कर सके। न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट के बहुत सारे मेजर्स है, कई चीजों से उसको अवॉइड कर सकते हैं और कुछ चीजों से उसको ट्रीट कर सकते हैं, और इस चीज से एक डिटेल्ड वीडियो फ्यूचर में लेके आएंगे। बट फॉर नाउ न्यूरोपैथी यूजुअली ज्यादातर पेशेंट में मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशन होती है और यूजुअली इमीडिएट नहीं होती, ग्रेजुअली बढ़ती है, उसको टाइम पे कैच करके उसको ट्रीट या अवॉइड किया जा सकता है। थर्ड इज हाई ब्लड शुगर। तो फ्रेंड पैडसेफ के ट्रायल में देखा गया है कि कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट का ब्लड शुगर बढ़ जाता है और इसीलिए हम यूजुअली पेशेंट को थोड़ा बहुत ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के लिए एडवाइस करते हैं और एक चार्ट मेंटेन करने को बोलते हैं, और जिन पेशेंट का ब्लड शुगर हाई होता है उनको अप्रोप्रिएट डिवाइस और ट्रीट करके शुगर को वापस नॉर्मलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है डायरिया। तो फ्रेंड्स पैडसेफ के ट्रायल में कुछ पेशेंट को माइल्ड डायरिया होता है, अगेन ये वो सेम ड्रग से लिंक्ड है जो थोड़ा सा ब्लड में वॉश आउट हो जाता है, तो यूजुअली डायरिया सीवियर नहीं होता और सिंपल ओरल टैबलेट्स को घर पे मैनेज किया जा सकता है। इसी तरीके से थोड़ा सा जो ब्लड एंटीबॉडी से निकल के ब्लड में आ जाता है उस थोड़े से कीमोथेरेपी ड्रग की वजह से पेशेंट के ब्लड काउंट जैसे हेमोग्लोबिन और व्हाइट सेल थोड़े से लो हो सकते हैं, यूजुअली इसको सिंपल ड्रग इंटरवेंशन से ट्रीट कर सकते हैं और यूजुअली ये सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। एंड लास्ट में रेयरली बहुत कम पेशेंट में पैडसेफ से निमोनिया भी हो सकता है जिसको यूजुअली स्टेरॉइड से ट्रीट करके निमोनिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। एंड दीज आर द मेन साइड इफेक्ट्स ऑफ पैडसेफ। तो ज्यादातर ये साइड इफेक्ट्स माइल्ड है, इजीली मैनेजेबल है, और जैसे मैंने बताया बस यदि आप अवेयर रहोगे इन साइड इफेक्ट्स के बारे में और डॉक्टर को अवेयर रहोगे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो टिपिकली बहुत ही अनयूजुअल है ये साइड इफेक्ट इतना सीवियर हो जाए कि पेशेंट को दवाई परमानेंटली बंद करनी पड़े, पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट हो, बस इन पर थोड़ा नजर रखना और पेशेंट का थोड़ा सा ध्यान। तो फ्रेंड्स लास्ट में हम बात करेंगे कि न्यू ड्रग का कॉस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स पैडसेफ अभी के लिए एक पेटेंटेड ड्रग है जो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, तो इसलिए आज के दिन ये ड्रग एक थोड़ा एक्सपेंसिव ड्रग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ऑलरेडी कई कंपनियां इंक्लूडिंग चाइनीज और इंडियन कंपनीज पैडसेफ जैसे डुप्लीकेट ड्रग बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं ताकि जब तक इस ड्रग का या तो इस ड्रग का पेटेंट एक्सपायर होने के बाद वो इस ड्रग को जेनरिक फॉर्म में दे सके, इससे कॉस्ट काफी कम हो जाए, और इस ड्रग का ऑल्टरनेटिव नेक्टिन 4 इनहिबिटर बना सके। फॉर एग्जांपल यदि कंपनी ए ने एक महंगा ड्रग बनाया है जो एंटीबॉडी नेक्टिन एडीसी है, वैसे कंपनी भी एक दूसरा एंटीबॉडी नेक्टिन इनहिबिटर बना सकती है, उसको लोअर कॉस्ट पर बेच सकती है। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ओवर नेक्स्ट 1 or 2 years इस ड्रग का कॉस्ट ड्रामेटिकली कम होगा, बट आज के दिन पैडसेफ का एक साइकिल का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 lakhs पर साइकिल है। एक साइकिल टिपिकली 3 to 4 weeks की होती है। पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैडसेफ की एक इंपॉर्टेंट चीज है, पैडसेफ को इंडेफिनेटली देने की जरूरत नहीं है, और क्लासिकली जो ट्रायल्स में देखा गया है वो ये है कि एक अच्छे रिस्पॉन्स आने के बाद पैडसेफ को कुछ टाइम के लिए बंद करने का भी ऑप्शन है, जिससे पेशेंट का कॉस्ट और साइड इफेक्ट प्रोफाइल दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। तो टिपिकली पैडसेफ का ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग के लिए पेशेंट का हर महीने 2.5-3 lakh रुपया खर्चा होता रहेगा, एक पॉइंट के बाद यूजुअली पेशेंट को शॉर्ट ब्रेक दे दिया जाता है ताकि उसकी बीमारी कंट्रोल रहे और ड्रग भी कंट्रोल को लेना ना पड़े। और टिपिकली एक कोर्स ऑफ पैडसेफ जो कि हम रफली 6 cycles से 8 cycles मानते हैं उसका कॉस्ट आज के दिन अप्रोक्सीमेटली 15-18 lakh है हमारी कंट्री में, बट अगेन ये एक्सपेक्टेड है कि ये कॉस्ट कम होगा एंड ओवर टाइम दिस कॉस्ट विल रिड्यूस। तो बीइंग अ ब्रांड न्यू ड्रग जो मार्च में ही लॉन्च हुआ है, अभी ये ड्रग महंगा है बट ओवर टाइम इसका कॉस्ट कम होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस न्यू कैंसर ड्रग के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक कैंसर जिसमें
70 साल से सिर्फ कीमोथेरेपी मिलती थी, उसका ट्रीटमेंट इतना चेंज हो गया कि आज के दिन उसको बिना कीमोथेरेपी ट्रीट किया जा सकता है। और यदि हम साइंटिफिक रिसर्च की डायरेक्शन देखें तो यही अक्रॉस वेरियस ट्यूमर्स हो रहा है, यही चीज ब्रेस्ट कैंसर में पहले हुई, फिर लंग कैंसर में हुई, फिर किडनी कैंसर में हुई, और आज के दिन सिमिलरली यही चीज अब ब्लैडर कैंसर में हो रही है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को आप बिना कीमोथेरेपी ट्रीट कर सकते हो। एज साइंस एडवांसेस यू विल हैव मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाइक दिस, और देखा मेरे हिसाब से यही होगा कि ओवर टाइम मेजॉरिटी ऑफ कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल चले जाएगा और न्यू ट्रीटमेंट से पेशेंट को अच्छा आउटकम दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे कैंसर चैनल का मिशन ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी और इन्फॉर्मेशन हमारी कंट्री के पेशेंट्स को भी मिले, ताकि उनका आउटकम भी कंपेरेबल या बेटर रहे और वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर आउटकम हमारे कंट्री के पेशेंट अपनी लैंग्वेज में पा सके। तो इस मिशन में मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए फोन नंबर पे, या स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब आपको मिले। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।